ओके तो जो भी मेरे एस्ट्रो लाइव देखा गो एंड चेक योर चार्ट्स ओके एंड दिस इज द टैरो लाइव जो आप सब जानते हैं. हाय एंड वेलकम टू आओ बातें करें पूजा हियर. सो दिस यू ऑल गाइस नो. सो लेट्स सी कीप शेयरिंग and I'll pick up the sharer tags. You can ask me your question. And while you all are here for next time, ताकि आपको next time मेरा पता चले, go and remove your birth chart, check your birth chart, and I want you all to go and see आपका Sagittarius किस किस घर में है. तो उस हिसाब से if for the next live I'm going to do a few astro lives also. So उसमें आपको पता चलेगा आपके किस घर में इफेक्ट हो रहा है या होने वाला है. ओके सो दिस इज द होमवर्क फॉर यू गाइस फॉर माय नेक्स्ट एस्ट्रो लाइव. ओके चलो नाउ शीतल जनरल गाइडेंस मुंबई. शीतल वेरी सून इन योर लाइफ आई सी अ चेंज. कोई चिंता कोई परेशानी जो आपको तंग कर रही है उसमें बहुत जल्दी चेंज होने वाला है, वो खत्म होने वाली है. ठीक है. सो एंड ऑल्सो आई सी मे बी योर मैनिफेस्टिंग नया घर. आप नया घर लेना चाहते हैं उस पर आपका काम चल रहा है. तो ये आपके दिमाग में एक नया सपना बुनना शुरू हो गया है. एंड ऑल यू कैन डू इज स्टार्ट सेविंग मनी, स्टार्ट इन्वेस्टिंग, स्टार्ट सेविंग फॉर दैट. तो इस वक्त से आपको पैसे बचाने और पैसे संभालने शुरू करने पड़ेंगे. एंड नाउ यू हैव रियलाइज्ड योर पावर, यू हैव रियलाइज्ड कि आपको लाइफ में क्या चाहिए और आप उसी की तरफ बढ़ रहे हैं. सो दिस इज अ हैप्पी एंड गुड चेंज इन यू. अ ईयर फ्रॉम नाउ मे बी आपके सपनों का घर एक साल बाद आप उसमें शिफ्ट हो सके, बट ये एक साल में आपको उस पर काम करना पड़ेगा. ऑटोमेटिकली जादू से नहीं होगा, यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन दैट. सो मे बी दैट इज योर ड्रीम. मेरे लिए कौन सा फील्ड बेस्ट रहेगा, टीचिंग लॉ और यूएस करियर में सक्सेस, मेरे लिए कौन सा फील्ड बेस्ट रहेगा, टीचिंग लॉ और यूएस करियर में सक्सेस मिलेगा. एक सेकेंड
मिलेगा सीता गुजरात, मेरे लिए कौन सा फील्ड बेस्ट रहेगा, टीचिंग लॉ, लेट्स सी। वो ना क्वेश्चन इतनी जल्दी जा रहा है कि आई कांट इवन रीड इट, स्टॉप करके भी। सो लेट्स सी फॉर यू, आपका लॉ फील्ड इज बेटर या यूएस में सक्सेस मिलेगा। आई थिंक दैट यूएस इज यूएस ओनली, दिस इज योर लॉ। लॉ फील्ड में यू विल गेट मनी, बट उसको टाइम लगेगा, इट वॉन्ट बी इमीडिएट, एंड उसमें मेहनत बहुत लगेगी, एंड यू विल हैव टू मे बी चेंज योर प्लेस, चेंज योर सिटी, जहाँ आप हो उससे अलग आपको करना पड़ेगा, एंड आगे जाके सक्सेस मिलेगी, इट वॉन्ट बी जस्ट इमीडिएट, ओके। एंड यूएस के लिए इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, इट लुक्स इट, ये देखिए 10 of Wands काफी डिफिकल्ट है, लगता बहुत ब्यूटिफुल है, बहुत वंडरफुल है। सो मे बी यू मीट अ पार्टनर हु इज वर्किंग इन US, मे बी यू मैरी NRI और यू आर इन्वॉल्व विद एन NRI, तब सिचुएशन बहुत अलग रहेगी, बट एट प्रेजेंट इट इज उस पर और इंफॉर्मेशन लीजिए, बिकॉज लग रहा है कि बहुत ईजी है या बहुत वो है, इट इज डिफिकल्ट एंड द टाइम्स आर डिफिकल्ट। सो इस सिचुएशन में द बेस्ट ऑप्शन इज लॉ, बट इन बोथ द फील्ड यू विल टेक टाइम टू फॉर मनी टू कम इन। प्रीति अग्रवाल, ट्रैवल नेक्स्ट वीक, हाउ विल बी द ट्रैवल, एज 21। प्रीति, आई विल ट्रैवल नेक्स्ट वीक, लेट्स सी, यूज ऑल द प्रिकॉशंस, यूज ऑल द सेफ्टी, और ट्रैवल तभी कीजिए, सभी के लिए है, जब बहुत ही नेसेसिटी हो। प्रीति अग्रवाल, लेट्स सी, इट विल बी अ बिट हेडेक, इट विल बी झंझट। तो आप अगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इफ़ यू आर गोइंग फॉर बिजनेस और इफ़ यू आर गोइंग फॉर मनी और या करियर, तो आप तो ही निकलिए, नहीं तो ट्राई एंड अवॉइड निकलना, बिकॉज इस वक्त इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू यू नो जस्ट कि हाँ जाके आ जाओ। इफ़ यू आर जस्ट गोइंग विथ फ्रेंड्स और फैमिली और समथिंग, इट इज़ बेस्ट दिस सिचुएशन इज टू बी अवॉइडेड। Okay, and a guidance card for you is get more information. Okay, next. Sakshi, I need your age and city. Pura question dijiye. दीप्रिया 37 ऑनलाइन बिजनेस फ्यूचर, चलो। सो दीप्रिया आपका ऑनलाइन बिजनेस, दीप्रिया वेरी सून ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस बिजनेस से वॉक अवे करना पड़े, ये बिजनेस बंद करके कुछ नई चीज करनी पड़े, कोई थॉट प्रोसेस है, कोई डेविल एनर्जी है जिसने आपको रोकी हुई है, तो शायद आपको ये सोच अपनी पूरी तरह से बदलनी पड़ेगी, ठीक है, बिकॉज आई सी मूविंग अवे। शायद ये मूविंग अवे आपको काफ़ी टाइम पहले कर लेना चाहिए था, आप सब रुके रहे,
एंड देर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड अनक्लैरिटी. तो सबसे पहले आप वो क्लैरिटी देखिए, और क्योंकि जो चीज़ आपको अगर प्रॉफिट नहीं दे रही, देर इज अ लिमिट हाउ मच यू कैन होल्ड ऑन टू. यू नो, एक होल्ड ऑन का है, शायद आपको नए ऑप्शन देखने पड़े विच आर बेटर फॉर यू एंड मोर प्रॉफिटेबल फॉर यू. बिकॉज इसमें देर इज क्वाइट क्या बोलते हैं, नुकसान या मनी का इतना नहीं फ्लो आपको दिखाई दे रहा है वॉट यू एग्जैक्टली वॉन्ट फॉर अ आइडियल फैमिली और अ लाइफ. ठीक है, सो इट इज बेटर स्टार्ट थिंकिंग ऑफ अनदर ऑप्शन ऑल्सो. कोई नया जरिया का भी सोचिए, फिर इसको स्लोली यू कैन स्टार्ट क्लोजिंग इट डाउन. इफ यू आर नॉट सीइंग रिजल्ट्स, देयर इज समथिंग बेटर. दिस इज योर गाइडेंस एंजल. एंड गाइज, आज भी मैंने मेरे ग्रुप पे डाला था ऑन माई टैरो ग्रुप, आई विल पुट इट आफ्टर फ्यू डेज अगेन और फ्यू वीक्स अगेन. देर विल बी डिफरेंट ऑफर्स, सो इफ यू आर यूज दैट ऑफर, आप ही को फ्री 10 मिनट्स टैरो रीडिंग मिलेगा. इट कैन बी अ रिलेशनशिप रीड का ऑफर, और इट कैन बी 10 मिनट्स आस्क एनी क्वेश्चन ऑफर ऑन व्हाट्सएप कॉल. बट उसके लिए ऑब्वियसली यू विल हैव टू एड इन सम पीपल ऑन माई, जब भी वो ऑफर हो 10 और 12 और समथिंग ऑन माई इंस्टाग्राम और यूट्यूब और समथिंग लाइक दैट. सो यू वॉन्ट हैव टू पे मनी, बट हाँ मेहनत करनी पड़ेगी, दोस्त इकट्ठा करने पड़ेंगे और परमानेंट मेंबर्स डालने पड़ेंगे. सो अगर आपको लगता है कि आपको FB पे नहीं, यू ऑल कैन अफोर्ड माई टैरो रीड, इट्स टू एक्सपेंसिव, तो एंड यू ऑल रियली वॉन्ट, तो थोड़ी मेहनत कीजिए, जैसे आप अभी भी करते ही हैं फॉरवर्ड करने के लिए. सो 10 मिनट्स ऑफ टैरो रीड यू कैन गेट ऑन एनी सिचुएशन इन योर लाइफ. तो 10 मिनट में आप जितना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं वो कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट शिमला 27 फ्यूचर रीडिंग. सुनैना, आपके लाइफ में इस वक्त कोई कंफ्यूजन चल रहा है, ये कंफ्यूजन हो सकता है बिफोर योर रिलेशनशिप और जॉब. ओके, सो इट कैन बी समथिंग, जैसे कि आपने कोई रिलेशनशिप आपकी ख़त्म हुई है या बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाली है, इफ़ नॉट एट प्रेजेंट, एंड आई सी यू मूविंग अवे. इट कैन बी दैट स्ट्रगल, बिकॉज इस रिलेशनशिप में यू हैव फेस लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक, लॉट ऑफ फाइट्स, लॉट ऑफ स्ट्रगल. आपका और सामने वाले का सोचना बहुत ही अलग है. And it is best ki y'all part your ways if this is the situation. This can have to do with your partner. It can be a job. It can be a boss. Anything. But aapko clarity lane bahut hi zaruri hai, because is waqt aap bahut confused ho aur aap do raah pe ho. You are not very sure ki kis raah chalo. So aap memory aur future proposal mein dono mein confused ho. So best is I would advise is go with your gut. स्टार्ट है मेडिटेशन प्रैक्टिस. टैरो रीडिंग तो आप करा ही रहे हो. परफेक्ट टाइमिंग, हर चीज परफेक्ट टाइमिंग में होती है. ना आप कुछ जल्दी चीज फॉरवर्ड कर सकते हैं, ना कोई होती चीज रोक सकते हैं. सो इट्स बेटर इज गो विथ योर गट फीलिंग एंड सरेंडर. सरेंडर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. साक्षी एंजल दिल्ली 32. साक्षी एंजल कार्ड दिल्ली 32.
guidance. Sakshi, I see you moving towards a new job, a new income, and I see you walking away. So there is shift. अगर आप कोई नया job देख रहे हो, नया वो office, maybe your office shifts, maybe your job shifts, and it will happen all of a sudden. ठीक है? So this is there is a lot of shift in money, but जहाँ भी आप जा रहे हो, there is promotion, maybe there is more money. बट ये कुछ चीज अचानक होने वाली है एंड आप जितना क्लियर हो जाओ कि आपको क्या चॉइस लेना है इतना आपके लिए तब इजी होगा. दिस शिफ्ट विल बी इजियर फॉर यू. यस एज 30 हरियाणा प्रदीप कब कांटेक्ट करेगा. लेट्स सी नेक्स्ट टाइम पार्टनर का भी एज दो तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी. कमलदीप हरियाणा अच्छा आप में से कोई फॉरवर्ड करा है और उसको अपना सैजिटेरियस कहा है बता दो तो मुझे बताओ मैं आपको आपके उसका बताती हूँ. विच हाउस में सैजिटेरियस से इफ यू गाइज नो लेट मी नो. कमलदीप कॉन्टैक्ट इस वक्त मुश्किल है बिकॉज आप और वो दोनों बहुत कंफ्यूज है. ही इज वेरी कंफ्यूज इन वॉट ही वॉन्ट्स. और कोई आपकी लाइफ में लड़ाई या स्ट्रगल हुई है वो उसके माइंड में पूरा फ्रेश है. ही रिमेम्बर्स दैट एंड आपको सबसे पहले दोनों पार्टी को कुछ चीज बैलेंस आउट करनी है. बिना बैलेंस सबको सोल्यूशन चाहिए. सब किसी को ना प्रोसेस से नहीं जाना है. सीधा एंड रिजल्ट दो और वो भी हमारी मर्जी का. ऐसे नहीं होता है. तो यू ऑल नीड टू बैलेंस. कोई तो चीज आपके लाइफ में इम्बैलेंस है चाहे मनी हो रिलेशनशिप हो थॉट प्रोसेस हो रिश्तेदारी हो जो भी हो. ये दो कार्ड्स अलग अलग डेक से हैं. दीज आर बोथ कार्ड्स ऑफ बैलेंस. तो जब भी आप ये बैलेंस दोनों पार्टी आप कर पाएंगे सो रीयूनियन या कॉन्टैक्ट इज पॉसिबल. यू आर रेडी सो यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग एक्शन टूवर्ड्स डिस्कशन और टॉक या बैलेंसिंग दैट थिंग आउट. सादिया हाउ इज माई प्रेजेंट एनर्जी एज 40 ईयर. सादिया लेट्स सी हाउ इज माई प्रेजेंट एनर्जी. सादिया किसी चीज में आपको या तो कंफ्यूजन है या माइंड में स्ट्रगल है. यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग और किसी चीज में आपको क्लैरिटी लानी बहुत जरूरी है और आप कुछ नया सीखने वाली है या सीखने का सोच रही है. दिस कैन बी रिगार्डिंग योर स्टडीज योर ऑफिस योर जॉब अपग्रेडेशन या समथिंग फन. सो बेस्ट इस वक्त स्पेंड सम टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. स्पेंड टाइम उस पर कीजिए जिसमें आपको खुशी मिले. शायद आप किसी शादी पे जा रहे हैं किसी एंगेजमेंट पे जा रहे हैं किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं तो उससे आपको बहुत रिफ्रेश्ड फीलिंग होगी बिकॉज यू रियली नीड सम टाइम जहां आपको खुशी मिले और जहां आप थोड़ा इंजॉय कर सकें. बहुत सारा यू आर स्ट्रेस्ड आउट. बेसिकली यू आर स्ट्रेस्ड आउट. यू नीड टू बी लिटिल लेस स्ट्रेस्ड. ये वही कार्ड्स हैं. आई एम नॉट शफल्ड. इन द नियर फ्यूचर. इन द नियर फ्यूचर मतलब कोई क्वेश्चन या कोई आपकी विश हो. सो द आंसर इज इन द नियर फ्यूचर.
होगा फ्यूचर रीडिंग प्लीज 47 लेट्स सी ममता आई विल डू अ जनरल रीड फॉर यू वेलकम स्वीटर थोड़ा रिलैक्स करो बहुत काम कर लिया है बहुत स्ट्रेस ले लिया है ममता ममता आपको अभी इस वक्त थोड़ा टाइम लगेगा इन कलेक्टिंग मनी सेविंग मनी बिकॉज इसमें बहुत जरूरी घर के लिए आपको मनी सेव करना बहुत जरूरी है उस पर ध्यान दीजिए एंड डू नॉट थिंक नेगेटिव कभी आप सोचते होगा कभी नहीं होगा तो स्टार्ट लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन और पॉजिटिवली कीजिए तब तक जब तक नहीं दिखाई देता कोई आपको एग्जैक्ट अपने पसंद का घर नहीं मिलता स्टार्ट सेविंग मनी क्योंकि जितना ज़्यादा आप सेव करोगे ये टाइम वेस्ट हो रहा है ऐसा मत सोचिए सोचिए मैं जितना सेव करूँगी मुझे आगे जाके इतनी खुशियाँ मिलेंगी इतना मैं ईजिली बड़ा घर खरीद सकूँगी इतनी अंदर जाके EMI कम भरना पड़ेगा सो यू इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि वहाँ जाके ना खुश भी रहें सिर्फ ले लो और वहाँ जाके स्ट्रेस लेने का कोई मतलब नहीं है द इम्पॉर्टेंट वेट ये वेट टाइम का आप सही यूज कीजिए वेट सी दिस इवन इन दिस देर इज अ वेट टाइम और ये वेट टाइम आपके लिए जरूरी है ये अनजाने में नहीं हो रहा है सो दिस इज प्रिपेयरिंग यू फॉर समथिंग बेटर और ग्रेटर दीप्ति यू हैव टू शेयर शेयरर टैग पे क्वेश्चन होता है ओके टीना माय ब्रदर विशे ही कम बैक टू होम 8 दिसंबर यस और नो 8:24 यस नो तो यहां से लेते हैं चलो कम बैक होम लेट्स सी बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है बट लेट्स सी आपका वाइफ क्या कहता है हेल्पफुल पीपल एंड ask your angels आपका गट फीलिंग क्या कह रहा है यू आर रेडी आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर अ येस नो आंसर सो दिस इज वॉट एवर योर गट फीलिंग इज सेइंग यहां तो नो है बट यू गो विथ योर गट फीलिंग ज्योति मेरा नाम ज्योत्सना है 38 माय लव लाइफ हैज मैरिड हाँ यू नीड अ जनरल रीड ज्योत्सना और जनरल रीड फॉर ज्योत्सना लेट्स सी एज लिखो बर्थ डेट मत लिखो चेंज द क्वेश्चन विथ योर एज ज्योत्सना जनरल रीड ज्योत्सना आर यू मैनिफेस्टिंग समबडी को आपको रिलेशनशिप में नहीं है अगर आप सिंगल है तो बहुत जल्दी आपके लाइफ में अचानक कोई आने वाला है ठीक है सो दीज आर ऑल कार्ड्स ऑफ समबडी न्यू एंटरिंग योर लाइफ एंड लव शायद आप उसको किसी ग्रुप में मिलो चाहे आपके ऑफिस ग्रुप में हो चाहे आप बाहर किसी कोई भी भीड़ वाली जगह जहाँ ग्रुप है भीड़ हो वहाँ आप उसको मिलोगे और बहुत जल्दी मिलने वाले हो ओके सो ओवर थिंक करके ओवर वरी करके कोई टेंशन मत लीजिए एंड कोई आपके ग्रुप में चाहे करियर में हो चाहे फैमिली फ्रेंड्स में हो आपके कोई तो भी या तो चोरी कर रहा है आपका कोई क्रेडिट ले रहा है कोई पैसे की चोरी हो रही है कोई सामान की चोरी हो रही है आपके घर से
या कोई आपको बैड माउथ कर रहा है, गॉसिप कर रहा है, तो यू नीड टू लुक इन टू ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, उस चीज पे आप ध्यान दीजिए. सपना नारंग 39 जनरल रीडिंग. चलो लेट्स सी. वन वीक का टाइम नहीं होगा, वन वीक से लेके वन महीना या ऐसा कुछ टाइम होगा. तुम्हारे इन-लॉज अभी तक नहीं गए. तुम इतना टेस्टी टेस्टी खाना बना के खिलाओगे तो क्यों जाएंगे तुम्हें छोड़ के. अभी वो नया स्ट्रेन आ गया ना, इसीलिए वो नहीं जा रही. तो दुआ करो वो स्ट्रेन जल्दी चला जाए. ओके, सपना नारंग 39 जनरल रीडिंग. सपना नारंग, सपना आई सी सम फाइट और सेपरेशन. ये शायद आपके रिलेशनशिप में हो सकता है. यू हैव वॉक्ड अवे या वॉकिंग अवे हो चुके हैं या करने वाले हैं या कोई सेपरेशन है. बिकॉज देर आर सो मेनी कार्ड्स ऑफ लव एंड फाइट. ठीक है, सो दिस हैज टू डू विद योर रिलेशनशिप. और आपको उस पर काम करना पड़ेगा बिकॉज आप लोग आप बहुत ज़्यादा पीछे का सोच रहे हो एंड यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड जो हो चुका है. बट नाउ इट इज़ टाइम कि आप आगे का सोचें लाइफ में. आप एंड इस सिचुएशन में आगे क्या करना चाहते हैं, क्या डिसीजन करना चाहते हैं, वो आपको सोचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. डू नॉट स्टे इन द क्या बोलते हैं पास्ट. नाउ यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर. मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स. आपको शायद बहुत ज़्यादा वरी और एंग्जाइटी है. आई थिंक यू शुड काम योर सेल्फ. और जितना ज़्यादा आप खुद को काम करोगे ना, उतनी ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी. मेरी 23 मेरी गवर्नमेंट जॉब होगी क्या और कब तक होगी. लेट्स सी. गाइस, जो भी ज्वाइन कर रहा है यू ऑल हैव टू शेयर ताकि आपका क्वेश्चन लिया जाए. सो स्टार्ट शेयरिंग एंड कीप शेयरिंग. दीप्ति रीसेंड करो क्वेश्चन, रीसेंड करो. तुम्हारा टैग आ गया, जस्ट कीप रीसेंडिंग द क्वेश्चन. मेरा इतने भीड़ में थोड़ी ना याद रहेगा. दीप्ति आर यू ऑन माय ग्रुप. मैंने आई कीप पुटिंग ऑफर्स ऑन माय ग्रुप. मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यू ऑल कैन विन 10 मिनट्स ऑफ टैरो रीड विथ मी ऑन व्हाट्सएप कॉल. तो 10 मिनट्स में आप जितना चाहे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जितने में क्वेश्चंस निकाल सकूं. बट इसके लिए एवरी टाइम यू ऑल कैन डीएम मी एंड आस्क माय स्टाफ विल लेट यू नो. किसी दिन यू हैव टू ऐड 10 पीपल ऑन इंस्टाग्राम और 10 पीपल और 15 पीपल ऑन माय यूट्यूब और ऑन फेसबुक. तो यू हैव टू टेक एफर्ट्स टू गेट द 10 मिनट्स. तो इफ यू डोंट वॉन्ट टू स्पेंड मनी, यू cannot afford a big reading, that's fine. But अगर आपको 10 minutes reading भी चाहिए किसी situation में, तो efforts लेना शुरू कीजिए. Then you all can get that 10 minutes reading with me. और रोज नहीं होता है, किसी किसी दिन होता है और एक दो लोगों को ही मैं दे सकती हूँ. So if you all are interested, DM the official number और जहाँ भी addition करना हो addition करके screenshot भेजिए. ओके, मैं किसका देख रही थी. रीसेंड मी द क्वेश्चन, मैं जिसका देख रही थी. गवर्नमेंट जॉब मिलेगी क्या, हु वाज दैट पर्सन.
प्रोनिता मुझे नाम ही याद नहीं है रीसेंट अब तक मैं किसी का ले रही हूं क्वेश्चन ओके दीप्ति यू ऑल्सो रीसेंट योर क्वेश्चन मेरे इन लॉज फैमिली दिन में गोवा विलेज लौटेंगे प्रोनिता दीप्ति अपना नाम और सिटी और एज लिखो आधा अधूरा क्वेश्चन मत दो प्रोनिता हाँ जब तक मैं प्रोनिता का लेती हूँ दीप्ति गिव मी योर कंप्लीट दिस क्वेश्चन प्रोनिता जनरल रीड प्रोनिता आपको गवर्नमेंट जॉब या कोई और जॉब मिलने की बहुत ही ज्यादा चांसेस है 2-3 महीने के अंदर ओके सो बी क्लियर और किसी चीज का आपके मन में या तो वरी है या फाइट है और अगर आपको ऐसे लगता है कि कोई आपके ऑफिस में या घर में कुछ पीछे से बैक स्टेप कर रहा है या कुछ बुराई कर रहा है कुछ है तो वो चीज सही है यू हैव टू फाइंड आउट या उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है ठीक है एंड स्टे पॉजिटिव अच्छा टाइम आने वाला है आपने मेहनत की है सो आई सी चेंज बट पॉजिटिव वाइब में ही रहिए और ओवर थिंक या ओवर वरी मत कीजिए और कोई आपके पास ऑफर आएगा उसको अच्छे तरह से रिकंसिडर करके ही चॉइस लीजिए आप ओके गाइज जल्दी जल्दी मैं आई एम गोइंग इन फ्यू मिनट्स मैं काफी टाइम से हूँ तो जल्दी जल्दी आइए और व्हेनेवर आई कम लाइव कम फटाफट दीप्ति दीप्ति क्वेश्चन दो फिर बोलोगी मेरे क्वेश्चन नहीं लिया मैम चलो दीप्ति आई डू अ जनरल रीड फॉर यू सो दीप्ति क्या जनरल रीड फॉर इन लॉज Dipti, see this. This is maybe your in-laws are in a very good financial position. They are helping you out. कोई नई चीज आपका घर में या फैमिली में something. There is some support also. Okay. And I also see your devil energy. They are also maybe they are very controlling. They dictate क्या करना है क्या नहीं. This is the energy that you are feeling. ये आपकी energy है. ठीक है. And yes, there is disappointment. Yes, there is struggle. Yes, there is backstab behind you. कुछ बातें हो रही है gossip हो रहा है जो भी situation है इस इन सब का situation है कि you have to be very clear. अगर आपको कोई चीज clear तकलीफ हो रही है कुछ कहना है कुछ बोलना है तो उसका decision आप ही को लेना पड़ेगा You have to have the strength to speak up. तो आपके लिए मतलब आपके लिए you have to fight for yourself. आप ये नहीं सोच सकते कि कोई और सफेद घोड़े पे कोई शहजादा आपके आपको सिचुएशन से बाहर निकालने वाला है ऐसा नहीं है यू विल हैव टू बी द पर्सन हु हैज टू से कि मुझे ये चीज सही लगती ये चीज नहीं सही लगती ये मुझे परेशानी हो रही है तो जितनी जल्दी आप ये क्लैरिटी ला सकेंगे आप ये बोल सकेंगे उतना ज्यादा इज गुड फॉर यू अगर आपके उनके सिचुएशन में रहने से आपको तकलीफ हो रही है यू हैव टू सिट डाउन टॉक And get that चीजें clear. तो जितनी जल्दी आप ये करेंगे things will start changing for you. Okay? And guys, for my next time, जब भी आप आए try and get your birth chart और देखना शुरू कीजिए I'm going to do astrolize also. आज जब मैंने किया था आपको question ही नहीं समझ में आया situation.
दिस नेक्स्ट टाइम यू आर गो एंड सी वेर योर सैजिटेरियस इज, जहाँ भी आपका सैजिटेरियस है, जिस घर में भी वो सिचुएशन या वो लाइफ में आपकी चेंजेस होने वाले हैं, इट विल बी रीबर्थ, इट विल बी एंडिंग्स, इट विल बी न्यू बिगनिंग्स. ओके एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग सो मच. एंड जल्दी जल्दी आइएगा, जल्दी शेयर कीजिएगा, बिकॉज एवरी टाइम आई एम नॉट गोइंग टू बी लाइव फॉर एन आवर और सो. एंड यू कैन फॉलो ऑन FB टू बी अलर्टेड, क्योंकि आप जब फॉरवर्ड होने के बाद आते हो तब तक बहुत लेट हो गया होता है. एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टैरो ग्रुप, सो सब सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे. ओके टिल देन सी यू ऑल, हैव अ ब्यूटिफुल संडे, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.